हेलो माय टू फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम सीखने वाले हैं टेबल एट्रीब्यूट्स के बारे में। टेबल में हम कैप्शन टैग जो है उसका यूज़ आज कैसे करते हैं, या फिर कैप्शन टैग क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। तो कैप्शन टैग जो होता है बेसिकली एक हेडिंग या फिर टाइटल को डिफाइन करने के लिए हम इस टैग का जो है यूज़ करते हैं। ये जो टैग है ओनली टेबल के अंदर ही यूज़ होता है। एक कंटेनर एलिमेंट होता है। तो हम यहाँ पे एक सोर्स कोड जो है लिख लेते हैं इसका एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे HTML और HTML में हम लिख देंगे यहाँ पे हेड, और हेड में बना लेंगे हम टाइटल, और टाइटल में हम लिख देंगे यहाँ पे एग्जांपल ऑफ कैप्शन टैग इन टेबल। टाइटल लिखने के बाद हम यहाँ पे आते हैं अपने बॉडी टैग में, और बॉडी टैग में लिख देते हैं यहाँ पे टेबल बना लेंगे एक, और उस टेबल के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे कैप्शन टैग का यूज़ करेंगे। तो उस कैप्शन टैग में जो है हम लिख देंगे एक सिंपल सी लाइन, वेब सॉल्यूशन पी लिमिटेड। तो इस तरह से हम एक टाइटल जो है वो शो करवा सकते हैं कैप्शन टैग के मदद से। उसके बाद हम TH टैग जो है उसका यूज़ करेंगे। TH टैग का जो यूज़ है हमने पहले वाली वीडियो में भी किया हुआ है, तो आप अगर TH टैग का और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो जो देख सकते हैं। तो हम TH टैग में लिख देंगे एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट, एंड थर्ड में लिख देंगे हम सैलरी। तो इस तरह से हम तीन जो हेडिंग वो बना लेंगे। उसके बाद हम कुछ एम्प्लॉय की डिटेल जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिख देंगे, और नाम लिख देंगे यहाँ पे प्रियंका एंड मार्केटिंग, और लास्ट में इसकी सैलरी लिख देंगे 28,700 रुपीज़। ओके, इसके बाद हम इसी को कॉपी करके और नेक्स्ट नाम लिख देंगे सेकेंड नंबर पर निखिल। उसके बाद इसका प्रोडक्शन और सैलरी लिख देंगे यहाँ पे 29,700। इसके बाद थर्ड वाले में हम लिख देंगे यहाँ पे मोनिका एंड कंप्यूटर, और इसके बाद लिख देंगे 25,200 रुपीज़। तो इस तरह से हमारे पास तीन एम्प्लॉय का जो डेटा वो शो हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे टेबल टैग एट्रीब्यूट में आते हैं, और उसके टेबल में लिख देंगे यहाँ पे बॉर्डर इक्वल्स टू 3 और फ्रेम इक्वल्स टू एच साइड, बॉर्डर कलर इक्वल्स टू रेड, और अलाइन जिसका कर देंगे सेंटर। और इसकी विड्थ तो लिख देंगे हम यहाँ पे 600, और हाइट जो है हम यहाँ पे 150 कर देंगे। तो इस टाइप से जो हमारे टेबल का जो लुकआउट है वो बेहतर तरीके से हमें शो होगा। तो अब इसको वेब ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो टेबल है उसके ऊपर जो सबसे स्टार्टिंग में हमें टाइटल दिख रहा है, वेब सॉल्यूशन पी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इस तरह से हम जो कैप्शन टैग है उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा एम्प्लॉय कोड, फिर एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, ये हमारे जो शो हो रहा है TH टैग के थ्रू हमें शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय डेटा आ जाएगा, प्रियंका निखिल मोनिका एंड मार्केटिंग प्रोडक्शन कंप्यूटर, और सैलरी इनकी आ जाएगी। तो इस तरह से हम जो कैप्शन टैग है उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग।